अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि जीवन भर अगर जेल में रहेंगे तब भी जब तक वो मुख्यमंत्री बने हैं तो मुख्यमंत्री बने रहना चाहेंगे। उन्हें किसी भी तरह से दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है अरविंद केजरीवाल को, और इसीलिए मुख्यमंत्री के पद पर चिपके हुए हैं। वहीं पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल वो गजब का कारनामा करती हैं। सुनीता केजरीवाल तो हाई कोर्ट के नियमों की भी धज्जियां उड़ा देती हैं। सुनीता केजरीवाल हाई कोर्ट के नियमों से भी डरती नहीं है। सुनीता केजरीवाल ने जो किया उससे हाई कोर्ट एकदम हैरत में है, वहां के जज हैरत में है कि आखिर ये कर क्या रही है। हाई कोर्ट के जजों की जान को खतरा पड़ सकता है सुनीता केजरीवाल जो कर रही हैं उनके कारनामे से, और इसीलिए हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। सुनीता केजरीवाल अपनी वीडियो जो हाई कोर्ट की सुनवाई की है, उनके पति के को लेकर जो सुनवाई की गई, उन वीडियो को वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही हैं। आप ये समझ सकते हैं जो हाई कोर्ट के नियम के विरुद्ध है और जिसे किसी भी तरह से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उन वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने का काम कर रही। ऐसे में जजों के जान को खतरा पड़ सकता है। साथ ही साथ जो हाईकोर्ट की सुनवाई एकदम गोपनीय होती है उसे सार्वजनिक नहीं की जा सकती, कुछ ऐसे मामलों में उसे भी सार्वजनिक करने का काम सुनीता केजरीवाल कर रही हैं। ऐसे में जब कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, नोटिस भेजी, तब अब उनका होश जो है ठिकाने आया है। वो तो सोच रही थी कि हम जो है वीडियो को अपलोड करेंगे, उनके पति के बारे में किस तरह से हाई कोर्ट में सुनवाई की गई है वो दिल्ली की जनता देखेगी, दुनिया की जनता देखेगी, तो उसके बाद जो है उनके पति के प्रति और उनके प्रति सिंपैथी लोगों के अंदर जागरूक होगी। इसके कारण से सुनीता केजरीवाल ने वीडियो हाई कोर्ट की जो सुनवाई की थी उसे अपलोड कर दिया था। देश और दुनिया भर से तमाम रिट्वीट जो एक्स पर थे, फिर यूट्यूब पर भी थे, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे थे, वहां कमेंट्स आने शुरू हो गए। जब ये जानकारी हाईकोर्ट के जजों को हुई तब मामला संज्ञान में आया और सुनीता केजरीवाल को फटकार लगाई गई। दरअसल ये मामला कैसे जानकारी में भी आया, हो सकता है जज तक ये मामला नहीं पहुंच पाता, लेकिन अधिवक्ता विवेक सिंह ने इस मामले में एक याचिका दायर की और उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके ये कहा कि जिस तरह से हाईकोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने वीडियो अपलोड कर दिया है सुनवाई का, उससे जज को खतरा हो सकता है। ये मामले इस तरह के होते हैं जिसमें किसी भी तरह से वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट में जस्टिस नीना बंसल और अमित शर्मा इतने तेज गुस्से में आए कि उन्होंने सुनीता केजरीवाल को फटकार लगाई, साथ ही सोशल मीडिया के 5 प्लेटफार्मों को भी नोटिस थमा दिया और ये कहा कि यदि इस पे जिन्होंने रीट्वीट भी किया है, रिपोस्ट भी जिन्होंने किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उन वीडियो को भी हटाना चाहिए। यानी हाईकोर्ट की तरफ से, हाईकोर्ट के जज की तरफ से एक्स को, यूट्यूब को, फेसबुक को, तमाम प्लेटफार्म को भी नोटिस गई है कि जिन्होंने भी सुनीता केजरीवाल के द्वारा जो वीडियो अपलोड की गई है उस पर रिपोस्ट भी किया है उस वीडियो को भी हटाना चाहिए। अब इसमें प्लान क्या हो सकता है, साजिश क्या हो सकती है, ये आप देखिए। और कैसे विवेक सिंह को ये लगा, उनको आशंका जताई, उन्हें लगी कि इसमें कुछ खतरा हो सकता है। पहली बार जब हाईकोर्ट की सुनवाई होती है तो सुनवाई गोपनीय तरीके से रखी जाती, उसे कोई मेला नहीं लगाया जाता, उसमें कोई मजमा नहीं लगाया जाता, उसमें कोई महफिल नहीं सजाई जाती। जिनकी सुनवाई होनी है वो अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रही है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई होती है। अब उसकी जो वीडियो मिली उसे सुनीता केजरीवाल ने अपलोड किया था सोशल मीडिया पर, एक्स पे और तमाम और प्लेटफॉर्म पे। अब उसमें जरा देखिए कि उससे क्या था कि जो जज सुनवाई कर रहे हैं उनके चेहरे की पहचान होती है, उनका चेहरा आमने सामने आता है। तो आम आदमी पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, तमाम ऐसे लोग भी हैं,
अन्य लोग भी हैं जो शरारती तत्व भी हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो बार बार जब जजों के चेहरे को देखते हैं तो तमाम तरह की प्रतिक्रिया कर सकते हैं, तमाम तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वो व्यक्त कर सकते हैं, और कोई कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं पर भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो विवेक सिंह अधिवक्ता ने जब ये देखा कि ये खतरा हो सकता है, तब उन्होंने याचिका दायर की और ये मांग की कि ये वीडियो तुरंत हटाना चाहिए। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था और 28 मार्च को ट्रायल शुरू हो गया था। तो वही जो ट्रायल का वीडियो था उसी को सुनीता केजरीवाल ने अपलोड कर दिया था। तब फिर हाईकोर्ट के को जब संज्ञान में आया तब उन्होंने फटकार लगाते हुए वीडियो को हटाने के लिए निर्देश दिए, जारी दिए। सुनीता केजरीवाल, उन्होंने ये सोचा था कि अगर ये वीडियो अपलोड कर दिया तो भारत नहीं, खासकर कनाडा समेत तमाम और देशों में अरविंद केजरीवाल के नाम की चर्चा होगी और ये बताया जाएगा कि कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे उन्हें परेशान किया जाएगा। यानी जो महिलाओं का प्रपंच होता है ना, उस प्रपंच को रचने का काम सुनीता केजरीवाल ने किया। उनके पति के प्रति थोड़ी संवेदना और भावनाएं लोगों की इकट्ठी की जाए, इस प्लान के तहत सुनीता केजरीवाल ने वीडियो को अपलोड कर दिया था, जो हाईकोर्ट के नियम के तहत एकदम गलत है और इसलिए हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। तो एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं, दिल्ली की सत्ता को यानी मुख्यमंत्री के पद को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहते, वहीं पर उनकी पत्नी जो जानकार हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, किस वीडियो को अपलोड करना चाहिए, किस वीडियो को नहीं अपलोड करना चाहिए, इसके बारे में सुनीता केजरीवाल को अच्छी तरह पता है, लेकिन उसके बावजूद वो उस वीडियो को अपलोड करती हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। सख्त कदम भी हाईकोर्ट उनके खिलाफ उठा सकता है।